आईपीएल 2022 के 54वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आमना सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। 11 में से 6 मैच जीतकर बैंगलोर टेबल में चौथे स्थान पर बैठी है। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स ने 10 में से 5 मैचेस जीते हैं। इन दोनों के बीच खेले गए पिछले मुकाबले को फैफ ड्यूप्लेसी की टीम भुलाना चाहेगी, क्योंकि उस मैच में एसआरएच के लिए मार्को यांसन और टी नटराजन ने 3-3 विकेट निकालकर आरसीबी को 68 रन पर ही निपटा दिया था। बाद में सनराइजर्स ने आसानी से ये स्कोर चेज कर लिया। दोनों टीम का हेड टू हेड देखें तो भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। अब तक खेले गए 21 मैच में हैदराबाद ने बैंगलोर को 12 बार हराया है। आरसीबी ने 8 बार ये मैचअप अपने नाम किया है और एक मैच का कोई भी नतीजा नहीं आया। अब दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस पर नजर दौड़ाएं तो प्रदर्शन में फर्क दिखता है। पहले बात हैदराबाद की। अपने पहले 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स से हारने के बाद टीम ने शानदार वापसी की है। केन विलियमसन की टीम ने 2 हार के बाद लगातार 5 मैचेस जीते हैं। इस दौरान एसआरएच ने चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया। उन 5 जीत के बाद हैदराबाद का विजय रथ रुक गया है। बैंगलोर को हराने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद को चेन्नई सुपर किंग्स और पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से मात मिली। हैदराबाद के लिए चिंता के 2 विषय हैं। डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट नटराजन और यूटिलिटी ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर सीजन के अहम स्टेज पर चोटिल हो गए हैं। सनराइजर्स की बॉलिंग पिछले 3 मैच से काफी रन गंवा रही है और केन विलियमसन चाहेंगे कि ये सिलसिला यही रुक जाए। विलियमसन ये भी चाहेंगे कि उनकी खराब फॉर्म अब खत्म हो। उनकी खराब ओपनिंग से टीम के मिडिल ऑर्डर पर लगातार प्रेशर बनता रहा है और अगर उनका प्रदर्शन ऐसा ही रहा तो एसआरएच का जीतना और मुश्किल होते जाएगा। इसके अलावा हम एसआरएच के फैंस की तरफ से केन विलियमसन को एक बिन मांगी सलाह देना चाहेंगे। उन्हें 3 नंबर पर आकर राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग में प्रमोट करना चाहिए। एसआरएच का पावर प्ले में रन रेट खराब रहा है और त्रिपाठी की ताबड़तोड़ बैटिंग से ये सुधर सकता है। शॉन एबर्ट की जगह मार्को यांसन की वापसी भी देखने को मिल सकती है। यांसन ने दोनों टीम के पिछले मुकाबले में 1 ओवर में 3 विकेट लेकर आरसीबी की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी थी। दूसरी तरफ आरसीबी को देखें तो परेशानियां तो यहां भी कम नहीं है। ओपनिंग में फैफ ड्यूप्लेसी के बल्ले से कंसिस्टेंट रन्स नहीं आ रहे। विराट कोहली ने जो रन्स बनाए हैं वो बहुत स्लो बनाए हैं। ऊपर ऐसी बैटिंग का दबाव ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार और दिनेश कार्तिक को झेलना पड़ा है। हालांकि फिर भी इन बल्लेबाजों ने जरूरत के हिसाब से रन्स बनाए हैं। मिडिल ऑर्डर में महिपाल लोमरोर ने भी लगातार रन्स बनाए हैं और आरसीबी का लोअर मिडिल ऑर्डर सुलझा हुआ दिख रहा है। फैफ चाहेंगे कि विराट के साथ मिलकर वो टीम को अच्छी शुरुआत दे सके। आरसीबी ने पहला मैच हारने के बाद लगातार 3 मैचेस जीते। पिछले 4 मैच में से आरसीबी ने 3 मैच गंवाए हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रन से हराया था। फैफ चाहेंगे कि उनकी टीम इस जीत से मोटिवेशन ले और अगला मैच भी जीते। आरसीबी के लिए जॉश हेजलवुड ने शानदार बोलिंग की है। हर्षल पटेल ने भी बीच बीच में विकेट निकाले हैं। मोहम्मद सिराज, जिन्हें आरसीबी ने रिटेन किया है, वो काफी महंगे नजर आए हैं। अब बात करते हैं प्रीव्यू के अगले सेगमेंट की, जहां हम आपको किसी पिछले मुकाबले की रोमांचक कहानी सुनाते हैं। 14 अप्रैल 2021 को आईपीएल के पिछले सीजन का 6ठा मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा था। एसआरएच के लिए डेविड वार्नर ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला लिया। विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल ने अहम पारियां खेलते हुए आरसीबी के टोटल को जैसे तैसे 149 रन तक पहुंचाया। इस मुकाबले में मैक्सवेल की भूमिका बेहद अहम रही। उन्होंने 41 बॉल में 59 रन बनाकर टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद के लिए रिद्धिमान साह तो नहीं चले, लेकिन वार्नर ने मनीष पांडे के साथ मिलकर 83 रन की पार्टनरशिप बना दी। वार्नर जब 96 के स्कोर पर वापस पवेलियन लौटे, इस वक्त एसआरएच को 40 बॉल पर सिर्फ 54 रन की जरूरत थी। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर शाहबाज अहमद को 17वें ओवर में विराट कोहली ने गेंद थमा दी। यहां से शाहबाज ने कमाल कर दिया। एक ही ओवर में उन्होंने गेम का रुख बदल दिया। ओवर की पहली ही बॉल पर शाहबाज ने बेस्टो को आउट किया। इसके बाद अगली ही गेंद पर शाहबाज ने मनीष पांडे को भी चलता किया। इस डबल झटके से हैदराबाद मैच में नहीं उबर पाए और उनकी पारी 143 रन से आगे नहीं बढ़ सकी। विकेट्स ही नहीं, शहबाज ने अपने 3 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर सनराइजर्स पर दबाव बना दिया था। शाहबाज ने नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 10 बॉल में 14 रन भी बनाए थे। इस परफॉर्मेंस की बदौलत आरसीबी को उस सीजन की दूसरी जीत मिली थी। इस मुकाबले के बाद अगर इस सीजन पर लौटे तो शाहबाज ने दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर आरसीबी को 2 मैच अपनी बैटिंग के दम पर जिताए हैं। कप्तान फैफ ड्यूप्लेसी चाहेंगे कि उनका ये ऑलराउंडर 2021 वाला ही कारनामा फिर से करके दिखाए और उनकी टीम को लगातार दूसरी जीत दिलाए। इस मैच के लिए हमारी गेम्स 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। फैफ ड्यूप्लेसी, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, निकोलस पूरन, एडन माकरम, ग्लेन मैक्सवेल, शाहबाज अहमद, जॉश हेजलवुड,
मार्को यानसन, हर्षल पटेल और वानिंदु हसरंगा। ये खबर आपके लिए लिखी है पुनीत ने। ऐसी ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स।